YouTube चैनल मीनू मारवाड़ी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए बहुत ही आसान और टेस्टी सी रेसिपी लेके आई हूँ, वह है सूजी और कोकोनट के लड्डू। सूजी को कहीं कहीं रवा भी बोलते हैं और इसे आप चाहे कोई त्यौहार पे बनाइए या ऐसे भी बना के रख सकते हैं, एक दो महीना इसको स्टोर भी कर सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद अगर मेरा वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। देखिए, सबसे पहले मैंने आधा किलो कोकोनट पाउडर लिया है, यह आराम से बाज़ार में मिल जाता है। और ये मैंने 250 ग्राम बारीक वाली सूजी ली है और ये 3-4 चम्मच मैंने बेसन के लिए है। आप अगर डालना चाहते हो बेसन तो डाल दीजिए, नहीं डालना चाहते हो तो रहने दीजिए, लेकिन इसे अच्छी सी खुशबू हो जाती है बेसन की लड्डुओं में। और ये मैंने आधा किलो चीनी ली है। इधर मैंने 400 ग्राम पानी गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। ये चाशनी बनाएंगे हम, चीनी इसमें डाल देंगे और एक तार की हमें चाशनी बनानी है इसकी। चम्मच से थोड़ी देर हिला देंगे चाशनी को। और इधर मैंने 1 कप देसी घी का रख दिया था गर्म होने के लिए पहले ही, और हमें देसी घी चाहिए, ऑयल नहीं चाहिए इसमें। और सूजी को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है हमें, हल्की हल्की खुशबू आने लग जाए, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। और ये बेसन भी अब डाल देंगे इसमें, 1-2 मिनट बाद में डालेंगे बेसन को। बेसन बहुत ज़्यादा बारीक होता है तो जल्दी सिकाई हो जाती है, इसलिए थोड़ा 1-2 मिनट बाद में ही डालेंगे इसको। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है हमें, हल्का हल्का ही रोस्ट करना है। ये लीजिए, हमारी चाशनी रेडी है इधर। और ये लास्ट की बूंद जो देर से गिर रही है, ऐसी चाशनी चाहिए हमें, एक तार की, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, नहीं तो हमारे लड्डू नहीं बनेंगे। ये देखिए, इस तरह की चाशनी ही चाहिए हमें। और इधर ये हमारी सूजी भी रोस्ट हो चुकी है। ये देखिए, मैं आपको पास से उठा के दिखा रही हूँ कितना रोस्ट करना है। ये देखिए, हल्का हल्का सा कलर चेंज हुआ है, इससे ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है हमें। अब इसमें कोकोनट भी डाल देंगे और लो मीडियम आंच पे 1 मिनट इसको भी रोस्ट कर लेंगे। ये थोड़ा गर्म है तो 1 मिनट में ही रोस्ट हो जाएगा कोकोनट पाउडर। अब 1 मिनट हो चुकी है मुझे, और गैस को कर देंगे हम बंद। और ये हमारी सूजी और कोकोनट हल्का हल्का ठंडा हो चुका है और चाशनी भी हमारी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। और ये ड्राई फ्रूट्स मैं डाल रही हूँ, किशमिश है, बादाम है, काजू है, आपको जो पसंद हो वो डाल लीजिए, थोड़ा कम ज़्यादा भी चल जाएगा। अब मैं 2 चम्मच इलायची पाउडर डाल रही हूँ, ये भी अब अगर आपको पसंद नहीं हो तो मत डालिए, ऐसे भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये लड्डू। और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये चाशनी भी हमारी हल्की हल्की ठंडी हो गई है, और बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है हमें, वो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं चाहिए। चाशनी थोड़ी थोड़ी डाल के इनको मिक्स करेंगे अच्छे से। और ये लीजिए, हमारी चाशनी परफेक्ट बनी थी, इसलिए मैं पूरी चाशनी इसमें डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूंगी चाशनी को। और मैंने अच्छे से चाशनी को मिक्स कर लिया, और जब हमारी ये कोकोनट और सूजी ये हल्की हल्की गर्म रहे तभी इनके लड्डू बनाने हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे तो लड्डू नहीं बनेंगे। और ये देखिए, मैंने लड्डू बना लिया है। इसी तरीके से मैं दूसरा लड्डू भी बना लूँगी, साइज अपने हिसाब से हम छोटी बड़ी रख सकते हैं। ये देखिए, इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना के रख लेंगे। अगर आपका अगर ये मिश्रण ठंडा हो गया और लड्डू नहीं बन रहे हैं तो थोड़ा सा गर्म पानी कर लीजिए और उसके छींटे डाल के
लड्डू बना सकते हैं हम। और ये लीजिए हमारे शानदार से कोकोनट सूजी के लड्डू बनके रेडी हैं। मैंने इनको पिस्ता से गार्निश कर दिया, आपको जो ड्राई फ्रूट्स हो उससे गार्निश कर दीजिए या ऐसे भी रहने दीजिए, ऐसे भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। और आप सभी इसे बना के सभी को खिलाइए। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, आपके कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो।